भारत में तीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से प्रभावशाली हो गया है, जो भारतीय दंड संहिता 1860-61, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं। नए भारतीय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जिसमें FIR जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट में थाना कोतवाली जगदलपुर परिसर में विधायक किरण देव, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, रूपसी मंडावी, निवास भत्ती रामासराय सिंह, कमिश्नर श्याम धावड़े, IG PP सुंदर राज, कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, DFO उत्तम गुप्ता की उपस्थित में तीन नए आपराधिक कानून के बारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे, सुरक्षा बल के जवान, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव कोटवार को प्रस्तावित नए कानून की जानकारी, जिसमें 0 FIR, EFIR एवं प्रारंभिक जांच संबंधी एवं महिला बाल संबंधी नवीन कानून, विलोपित अपराध, अपराधों में न्यूनतम दंड बढ़ोतरी एवं साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी सभी को दिया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी आमजनों को तीन नए आपराधिक कानून के प्रभावशील कार्यान्वयन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। बहुत बहुत अभिनंदन। आज 1 तारीख को जैसे तीन अधिनियम बदले, तीन कानूनों में परिवर्तन हुआ है, और जैसे नाम के अनुरूप है, दंड संहिता को न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता जैसे नागरिक संहिता में परिवर्तित करने का काम, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। वर्षों से बाढ़ जो हो रही थी, जनता किस तरीके से सुगमता प्रदान हो, सरलता प्राप्त हो सके, और सारा कुछ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR, आप उसमें गवाहों के साक्ष्य डिजिटल माध्यम से, और जीरो पर फाइनेंस, किसी भी जगह पे जहां पे अपराध घटित हुआ है आप वहां पे FIR कर सकते हैं घटना में, मतलब जिस तरीके जैसे भी हो, और सरलता और सुगमता न्याय प्रणाली कैसे बने, नाम के अनुरूप था दंड संहिता, दंड के ही प्रावधान थे, निरपराध जो है उससे भी बचने का अधिकार है, तो गवाहों का जो मामला था, साक्ष्य का मामला था, उसके लिए साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तित किया गया, नागरिकों को सुगमता के साथ सारे उनके अधिकार सुरक्षित रहे, हमारे महिलाओं को, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किए जाने अपराध पर कठोर दंड का प्रावधान है, स्वाभाविक रूप से आजीवन कारावास, उम्र कैद जैसी व्यवस्था अनेक धाराओं में भी है, उसमें छूट नहीं है, लेकिन यह है कि जो दोषी होगा उसके साक्ष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो पाएगा और उसको सुगमता से उसको न्याय मिल पाएगी, निश्चित समय अवधि में प्रकरण समाप्त हो जाएंगे, कोई भार नहीं रहेगा, ना न्यायालयों पे रहेगा और ना ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर रहेगा। इस तरीके से ये तीन जो कानून है उसमें परिवर्तन किया गया है, ऐसे कई धाराएं उपबंध है जिनको परिवर्तित किया गया है या जिनको और समावेश किया गया है, 5-6 नए धाराओं का समावेश किया गया है, कई विलुप्त किए गए हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत बधाई देता हूं और इस पे जागरूकता के लिए मैं आप सभी से, आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं, जन सामान्य, जन साधारण से लेकर विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बस्तर जैसा हमारा वनांचल है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामवासी रहते हैं, उन तक ये सुगमता से सारी बातें पहुंचे, इसकी जानकारी उनको उपलब्ध हो। मैंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो मुखिया हैं यहाँ पर, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको भी मैंने इस बात के लिए कहा है कि शिविर लगाकर अथवा हमारी जो ग्राम सभाओं की पद्धति है, पंचायतों में इस तरीके से योजना आयोजन करके और इसकी जानकारी नीचे गांव तक, गांववासियों तक पहुंचे, इसके बारे में उनको जानकारी मिले, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से ही इसको पारंपरिक रूप से करने की आवश्यकता है।